हेलो एवरीवन, आज की हमारी कविता है अग्निपथ। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। आज हम इसे अत्यंत सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को सुनकर और देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। इसमें जो प्रथम पंक्तियां हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन पंक्तियों में क्या कहता है कवि कि मानव जीवन जो है हमेशा संघर्ष से भरा हुआ है। दुख तकलीफ मनुष्य के जीवन में आती रहते हैं। रास्ता जो है अंगारों से बना हुआ है, लेकिन मनुष्य को कहता है कितनी भी तुम्हें परेशानी आए, लेकिन तुम कठिन राह पर आगे बढ़ते रहना। पेड़ भले ही कितना भी मजबूत बन खड़े हो, चाहे वे कितना भी घना हो, कितना भी विशाल हो, तुम उससे एक पत्ता भी मत मांगना, एक छाया का पत्ता भी मत मांगना। यानी कि मनुष्य को अपने कर्म के रास्ते पर किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, अपना कर्म स्वयं करना चाहिए, खुद का काम खुद करना चाहिए। फिर वह कहता है चाहे रास्ते पर आग ही क्यों ना बिछी हो, मनुष्य को खुद का मार्ग खुद बनाना चाहिए और उस पर निरंतर चलते रहना चाहिए, बिना थके बिना रुके चलते रहना चाहिए। यही हमारी जिंदगी का सारांश है। हालांकि जीवन का मार्ग बहुत कठिन है, अग्निपथ अग्निपथ यानी जिसमें रास्ते में ज़्यादा कठिनाइयाँ हों, उस तरह का रास्ता जो होता है उसे कवि ने अग्निपथ यहाँ पर कहा है। अग्निपथ भी हो तो भी रास्ते में कितने भी तुम्हें सहायता मिल जाए, लेकिन उससे सहायता मत लेना। दूसरी प्रकार की जो पंक्तियाँ हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। फिर मनुष्य को सुझाव देता है कि तेरे रास्ते में कितनी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन जो काम करना है, कर्म करना है, मेहनत करनी है, उसके रास्ते पर कभी भी थकना मत और थमना मत, यानी रुकना भी मत, और ना ही अपने कर्म के मार्ग से पीछे मुड़ करके कभी देखना। तुम ऐसी कसम खा लो, शपथ यानी कसम खा लो कि कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जीवन कितने भी संघर्ष से भरा हुआ हो, कितना भी तुम्हारे जीवन में संघर्ष आ जाए, तुम्हें कितनी भी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, जीवन के रास्ते जो हैं वो अंगारों से भरे हों, हमें हमेशा निडर होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अन्य पंक्तियों में यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहता है कि जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर कड़ी मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत सारा काम करता है, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता है, तो यह देखना बहुत महान दृश्य के समान होता है। इसको देखना जो है एक अद्भुत दृश्य बनाता है। हमें ऐसे लोगों को देखकर बहुत अद्भुत अनुभूति होती है, महान अनुभूति होती है कि मनुष्य ने कितना संघर्ष किया है। उसके बाद वह मनुष्य महान होता है जब अंगारों के रास्ते पर आंसू पसीना और रक्त से भीग कर, अश्रु स्वेद यानी अश्रु यानी आंसू, स्वेद यानी पसीना, रक्त से लथपथ यानी खून से लथपथ होकर के वह अपने संघर्ष के रास्ते पर चलता रहता है और एक दिन उसकी मंजिल जो है उसे मिल जाती है, और जीवन के संघर्ष में हमेशा जीत हासिल उसे हो जाती है, वह हमेशा जीत जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा रचित इस कविता में जीवन को संघर्ष बताया है, लेकिन संघर्ष से कैसे पार पाया जाए, यहाँ पर यह मोटिवेशनल कविता हमने आज पढ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।